brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunak ko lagi Poonam Mehndi. हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खानों पीनों रीति रिवाज समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा पिछले दिन की कुछ गतिविधियाँ। दीपावली के शुभ अवसर पर मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल द्वारा हर साल की तरह इन साल भी स्नेह मिलन समारोह को आयोजन करयो गयो। कार्यक्रम में लोगों की उल्लेख्य उपस्थिति थी। इन अवसर पर मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल द्वारा शुरू करी गई मारवाड़ी सेवा ग्राम योजना के अंतर्गत गोधाम निर्माण की प्रगति की जानकारी दी गई। ई प्रोजेक्ट में अपने समाज का इंजीनियर श्री रमेश मित्तल जी आपकी इंजीनियरिंग सलाह निशुल्क दे रहा है। इके लिए रमेश जी धन्यवाद का पात्र है। अब आगे आज का अतिथि है बातचीत। आज का अपना अतिथि है डॉक्टर जेपी अग्रवाल यानी डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल। ये बाय प्रोफेशन होम्योपैथिक का डॉक्टर है। पिछले कुछ समय से इना को झुकाव अध्यात्म कानी ज़्यादा है और इना को कहना है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे से संबंधित विषय है। आओ इना को कार्यक्रम में स्वागत करा और इना से जानने की कोशिश करांगा कि कहीं विज्ञान और अध्यात्म एक आपस में जुड़ा है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको स्वागत। धन्यवाद। आज के वैज्ञानिक युग में होम्योपैथिक को इलाज कितना सांदर्भिक है डॉक्टर? ये तो सबसे सरल सस्तो और बिना कोई नुकसान का साइड इफेक्ट का इलाज है। जो अपनी एलोपैथिक सिस्टम है भी मैं तो आप दवाई खावा वे रोग ने एक्चुअली ठीक कौन करे, रोग ने दबा देवा है और बिना कई साइड इफेक्ट्स हो गए। एक बीमारी ठीक हो दूसरी बीमारी लाग जावे बैठे। होम्योपैथी में पहली बात तो साइड इफेक्ट को नहीं। दूसरों की है कि होम्योपैथी में अगर सही इलाज कर देवा है, सही दवाई निकाल देवा है तो वो रोग ने परमानेंटली क्योर करा है। होम्योपैथी किताब में लिख रखियो है कि होम्योपैथिक दवाई एज सुन एज इट इंटर्स द थ्रोट द एक्शन स्टार्ट्स। होम्योपैथी में एक ही दवाई कई रोगों में काम करा है तो वो जो रोग का लक्षण है बी के हिसाब से कौन सी दवाई बीने चाहिए वे 50 दवाइयों में से एक दवाई ढूंढो कला है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर ये कला में एक्सपर्ट है वो तो शायद ही कोई रोग हो जिन्हें ठीक नहीं कर सके। और मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इस फील्ड में भी देखे हूँ कि सक्सेस रेट अबव 90%। अगर सक्सेस रेट 90% अबव है फिर भी लोगों पर विश्वास क्यों कोनी इस चीज़ को? होम्योपैथी में सही दवाई मिलते ही एक्यूट जो डिजीज हो गया है क्रोनिक तो मैं देखो टाइम लेवा है। जो रोग इनक्योरेबल है लाइक एस्थमा हो गयो, डायबिटीज हो गयो, ब्लड प्रेशर हो गया और मतलब ट्यूमर हो गया ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत इनमें काफ़ी समय लगे ठीक होने। पर जो एक्यूट डिजीज हो गया डायरिया हो गयो, डिसेंट्री हो गयो, खांसी हो गई, पेट दर्द हो गयो, ये जो एक्यूट डिजीज है यहाँ पर तो होम्योपैथी तो मिनट में काम करा है। वी शुड चूज द राइट डॉक्टर। यस एंड द राइट डॉक्टर शुड चूज द राइट मेडिसिन। राइट मेडिसिन मेडिटेशन और अध्यात्म। अध्यात्म का ही तो पार्ट है। अध्यात्म को मतलब ही तो एक्चुअली अध्यात्म जो शब्द है अगर इनको अब संधि विच्छेद करा आत्मा प्लस अध्ययन इज इक्वल टू अध्यात्म। आत्मा को अध्ययन ही अध्यात्म है और आत्मा को अध्ययन किताब पढ़ का होगा नहीं क्योंकि आत्मा तो मेटाफिजिकल है, भाषा में है को नहीं, बुद्धि के अंतर्गत है को नहीं। तो आत्मा को अध्ययन तो थ्रू मन ही होगा और मन ने जब आप आत्मा में कनेक्ट करा हाँ वही अध्यात्म है, वही मेडिटेशन। आपनों यो मनुष्य जो जीवन है एम दिव्य नेत्र जो पाना है उनके लिए तो कोई दिव्य पुरुष मिला हो जब जाके बात चीज आवेगी ना, तो बात तो हर आदमी के बस की चीज को नहीं है। तो
कहीं वो तो अपने अंदर पॉइंट है। हर भगवान कृष्ण ने एक बात कही है गीता में कि अर्जुन इसो कोई समय कौन थो, जब मैं नहीं थो तू नहीं थो, शरीर बदला है बस शक्ति कोई ना कोई शरीर में रवे है। और मेरी पहचान के है कि वो भी पॉइंट ने एक्टिवेट कर सके है, वो दिव्य नेत्र ने खोल कर आपा ने वो दर्शन करा सके, दूसरे भी की बात कर सके है। अगर आप कवा भी गा तो कहोगे भाई ये तो इतने इजी को नहीं, तने योग करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तब जाके तो देख पाओगे। पर अगर आपने वो सही पुरुष मिल जावे है तो वो तो बटन जिया दबावा आप और लाइट ऑन हो जाए, बिया बी गली तो इतनी देर को काम है। आज की जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी बिना प्रमाण के धर्म ने मानने को नहीं चाहे, तो ये चीज ने वैज्ञानिक रूप से कहीं प्रमाणित करके उन्होंने बताया जा सके। असल में तो युवा पीढ़ी की ने बहुत पसंद करूं और वे जो नहीं मानना है वह भी बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइंस में भी मिलो, साइंस में भी मिलो, यही माना हमारी मान्यता यही रहा है। बिना देखे बिना एक्सपीरियंस करे कोई चीज नहीं माननी चाहिए। और एक्चुअली धर्म भी यही कहा है, कबीर साहब कहा है जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानू गुरु की बेनी। अपनी आंखों से जब तक मैं नहीं देख लूं तब तक नहीं माननी चाहिए। तो यह तो बहुत अच्छी बात है। और युवा पीढ़ी ने जब देखने वाला दिखाने वाला नहीं मिला है, क्योंकि आज जो धर्म का नाम पे है वो वास्तव में अगर बात करी जावे तो वो धर्म को छिलको है। जी हाँ, संतरा का छिलका ना आपा कावांगा तो भी को टेस्ट स्वादी लोगों नहीं, और आपा भी ने क्या करा थूक का फेंक दे वहाँ अगर, पर अंदर की जो बुद्धि है वो टेस्ट टेस्टी है। धर्म को जो आज आप बाहरी रूप देख रहे हैं यो फिजिकल है, मेटाफिजिकल को नहीं, पराभौतिक को नहीं, यो अपरा है। तो यो जो रूप है यो स्टार्टिंग में वो समझाने के लिए, जी हाँ भगवान स्वामी विवेकानंद के सामने जब एक बच्चों मंदिर में गए तो बहुत खुश होया, बोले कितनी अच्छी अपनी सनातन धर्म की संस्कृति है, बच्चों भी मंदिर में जा रहे हो। थोड़ी देर बाद एक बुढ़ा आदमी लट्ठी टेक तो लट्ठी हाथ में लेके धीरे धीरे जान लाग रहे हो, विवेकानंद जी भी ने देख कर बोले बोले कितना दुर्भाग्य है आपने देश और धर्म को, ये बुढ़ा अभी भी ये बुढ़ा आदमी मंदिर तक ही सीमित है। लोग बोले स्वामी जी मंदिर में जाना तो अच्छी बात है, बच्चों गए तो आप खुश होया, बुढ़ो आदमी गए तो आप दुखी होया, के कारण? बोले भाई तेरो बच्चे लड़को स्कूल जान लाग जावे है तो तू खुश होगो, भाई स्कूल में भर्ती हो गयो, पर 10 साल तक अगर पहली कक्षा में रहोगे तो दुखी होगो ना, कि वो 10वीं पास करनी चाहिए अभी भी पहली कक्षा में। मंदिर शब्द का अर्थ है मन प्लस अंदर इज इक्वल टू मंदिर, एक एक्सटर्नल टेम्पल है एक इनर टेम्पल है, बाहर को मंदिर भौतिक है अंदर को मंदिर पराभौतिक है। तो लोग अभी बाहर का मंदिर तक सीमित रह गया, मंदिर की पूजा गलत को नहीं, पर वह स्टार्टिंग ही, जी आप बच्चे ने ए देखिए एप्पल बी से बॉय सी से केट से कमा, पर वो होल लाइफ ए टू एप्पल तो को नहीं करते रहे ना, मेरे बाद सेंटेंस सीखा है वर्ड मीनिंग सीखा है ग्रामर सीखा है और एक दिन इंग्लिश बोलना लग जावे। तो यह स्टेप है, अपना अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और जब अंदर युवा इसलिए बाहर की चीजों से संतुष्ट होने हो रहे हो बिना टाइम वेस्टेज मानना है। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद फिर से बातचीत ना आगे बढ़ावांगा। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, छठ पर्व में के को पूजा गरिन्छ? अप्सन ए सूर्य, अप्सन बी चंद्रमा, अप्सन सी तारा र अप्सन डी पृथ्वी। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक महिना Samsung मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। दर्शक वृन्द ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आप आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी से, ये अध्यात्म और विज्ञान के बारे में बातचीत में करण लाग रहे हैं। आओ बातचीत में फिर आगे बढ़ाओ। मंदिर में जानो जो पहली सीढ़ी है
लेकिन सीढ़ी चढ़ांगा जब ऊपर पहुंचांगा, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए भी तो युवा तो तैयार को नहीं ना, वो तो देखा ये तो गलत, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो रही हो मेरे, तो इसलिए हो रहा है ना कि वो जो लोग देखे 20 साल तक 50 साल तक वही सीढ़ी में बैठा है, आपने लाइफ ने बैठे ही रोक रखे है, तो वो सोचे मेरी भी यही गति होगी, इन्हें कोई चेंज आएगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं, इसलिए अपना मत मानो, मत मानो, टाइम क्यों वेस्ट करो। अगर वो चेंज देखा भाई, एक देखे एक स्कूल में भर्ती तो रखे, ये पहली क्लास में 20 साल से है, तो सोचो मैं भी स्कूल में जाऊंगा, मैंने 20 साल तक ये पहली क्लास में बैठना पड़ेगा। अगर वो देखा रही हो स्कूल में इनके बाद प्रमोशन हुआ है, तब तो दूसरा भी जाओगे ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनो जो मारवाड़ी समाज है वो आर्थिक रूप से संपन्न एवं धार्मिक रूप से भी आगे कयो जावे, लेकिन थारो अनुभव में के कहवे? आर्थिक रूप से तो आगे है, संपन्न है, धार्मिक रूप से 0/0 है, क्यों मैं भी मारवाड़ी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। अपनी कम्युनिटी के बारे में मैं खुल के बोल सकू। हाँ। वो खाली दिखावा तक सीमित है, भौतिक वो धर्म का आडम्बर तक सीमित है, वो गहराई में जाने कोशिश ही कौन करे, बिजनेस के मामले में करोगे या चीज कटे सस्ती मिलेगी, क्वालिटी कौन सी अच्छी है के है, पूरा दिमाग लगाओगे भी मैं, और धर्म का मामला जो कह दिया वो सुन लियो, रोगे वो कोशिश कौन करे, धर्म को गहन रहस्य के है, गीता पढ़ा है तो वो जो तोता रटन की तरह पढ़ा है, तोता रट लेवा है और सुनावे बिन तोतन बिंगो को या समझ में को नहीं आवा चीज, बाई स्थिति आज अपनी हो रही, रामायण रट रहा है, सुंदरकांड पढ़ रहा है, गीता रट रहा है, और गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन जो ज्ञान मैं तने दे रहा हूँ जो कल्प का आदि में सूरज ने दिए थे, और वो ही ज्ञान लुप्त हो गया, आज मैं तने फिर से दे रहा हूँ, कल्प का आदि में भाषा ही कौन थी, यो क्रिएशन ही कौन हुई हो, सोलर सिस्टम ही कौन बनी, पृथ्वी की रचना ही कौन हुई, तो वो ज्ञान कौन सी भाषा में दी होगा, और कहो वो ज्ञान लुप्त हो गया, मैं तने फेर दे रहा हूँ, वो मेटाफिजिकल ज्ञान हो, पर गीता पढ़ ले कोई दिमाग भी कौन लगाओगे, ज्ञान है के गहराई में कौन जाएगा नहीं, क्योंकि बेमनी माइंड नहीं रहे सारा, अधिकतर सारा तो कौन कह सकूं मैं, पर अधिकतर मैंने बेमिला। अच्छा एक चीज है, जहाँ आज की भागदौड़ में हर इंसान तनावग्रस्त है, तो इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए भाई? बहुत सिंपल है, तनाव के है मैं तुमने साइंटिफिकली बताऊं, मन में दिमाग में 4 प्रकार की तरंग हुआ है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, इनकी अलग अलग स्पीड है, जब मन डेल्टा में रहा है शांत है, थीटा में तब भी शांति है करीब करीब, अल्फा में भी वो स्वस्थ है मतलब नॉर्मल है, क्योंकि डेल्टा की स्पीड है 0.5 to 4 cycles per second, थीटा की स्पीड है 4 to 8 cycle, अल्फा की है 8 to 12 cycles, ये तीनों वेव जब उसके ब्रेन में हुआ है या मन में हुआ है तो वो शांत है, जब भी मैं बीटा तरंग आवा है मन को वाइब्रेशन जब एकदम ज्यादा हो जावा है तो अशांति है, वो टेंशन है, तनाव, कुछ भी वर्ड यूज करो बटे, डिप्रेशन हो जाओगे, तनाव हो जाओगे, नाना प्रकार का भी अशांति हो जाओगी, तो अगर मन की स्पीड आप घटा दे वहां कुछ कौन करना पड़े, बिना कोई लेक्चर उपदेश कौन देना पड़े, मन की जो स्पीड में वाइब्रेट कर रहे है वह स्पीड अगर आप घटा दे वहां तो तनाव खत्म किया, तो यह स्पीड घटाना को रस्तों के बहुत सिंपल है, पर आप बैठे भी गलती कर रहे हो, एक चीटी ने आप बांधना चाहवा और आप हाथी ने बांधने वाला मोटो रस्सो ले आया, तो हाथी के रस्से से तो चीटी बंधे को नहीं, बात तो निकल जाओगी, बिंगले पतलो धागो चाहिए, ये जो शरीर है इससे सूक्ष्म अपना इंद्रिया है, इंद्रिया से सूक्ष्म ये ब्रेन है, और ब्रेन से भी सूक्ष्म जो है ये मन है, और मन ना पर जो भी साधन करा आज धर्म का नाम पर अध्यात्म का नाम पर वे साधन ब्रेन और इंद्रियों के द्वारा करा, मन बस में आवेगो नहीं इसलिए आप फेल हो रहा, पर मन ना मन से जो सूक्ष्म चीज है जो मेटाफिजिकल है जी की मैं अभी बात कर रही हूँ, 20 अगर मन ना कंट्रोल करने जाओ तो सेकेंड्स में मन कंट्रोल होगा, स्पीड घट जाएगी। नहीं तो मैं तो यही तो अब आप बात इन बात पर अपनी बात डिबेट हो रही है कि भाई जो पराभौतिक जो थे मन ने कंट्रोल करने को जो धागो बता रहा हो वो धागो मिलनो ही तो सबसे बड़ी चीज है, बड़ी चीज को नहीं ढूंढ रहे को नहीं बिना आपने पतो भी को नहीं, पहली बात यह कि बोताना तो पतो भी को नहीं, यहाँ को पतलो धागो हो गया बोल गया, और कुछ तो पतो भी हो तो सोचे यार मैंने मेरे धंधो छोड़ना पड़ेगा, मेरे इतना खोजने की कोशिश ही कौन करा, देखो क्या है वो पराभौतिक तत्व है, एटम ने जब नष्ट करी विज्ञान इनर्जी में चेंज करो, आइंस्टाइन को फॉर्मूला भी है E=mc², तो जब मैटर ने डिस्ट्रॉय करके इनर्जी में परिवर्तित करो
तो वो दो चीज के रूप में प्रकट हुए, एक प्रकाश के रूप में और एक धमाका के रूप में, साउंड के रूप में। और वो धमाका इतना जबरदस्त हो कि सब चीज तहस नहस कर दी, बा प्रकाश इतना तेज हो कि सब चीज जला के खाक कर दी। तो वास्तव में जो चेतना को स्वरूप है वो लाइट और साउंड है। अपने अंदर भी जो चेतना है वह लाइट और साउंड के रूप में है। तो लाइट ने तो कह दिया आप भर्गो ज्योति, भगवान को रूप, प्रकाश, ये अनेक ज्योति दिव्य ज्योति करके ये शब्द दे दिया आपा। और वो जो साउंड है चेतना को, जो दूसरा फॉर्म है जो साउंड है, बिना आपा शब्द कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, भगवान को नाम कहो, पर कहने तो आप ठीक कर दिया, पर ध्यान करते समय पूजा करते समय जीव का नाम जप रहे हैं, ब्रेन का अंतर्गत का पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जो दोनों चीज है जो साउंड और लाइट है वे दोनों मेटाफिजिकल है, ब्रेन से ऊपर की चीज है, इंद्रिया के द्वारा असंभव है, ब्रेन के द्वारा भी असंभव है। वे दो चीजें जब अपने एक्सपीरियंस हो जाएगी और आप मन ने भी में कनेक्ट करेंगे, यू मन तुरंत शांत हो गया, टाइम ही कौन लगे। तो मैंने एक चीज बताओ, यहाँ आदमी ने जो साउंड और लाइट जो ब्रेन से ऊपर की चीज बता रहे हो, तो ऐसा कनेक्ट करने के लिए के रास्तो भी मैं एक आदमी कनेक्टर की जरूरत हो गई, कनेक्ट करानी होगी। जी हाँ, जब विवेकानंद का टाइम में विवेकानंद बहुत से गुरुओं के पास गए, बहुत से विद्वानों के पास गए, बिल्कुल एक ही प्रश्न हो भी चेतना ने भी ईश्वर तत्व ने ब्रह्म तत्व ने तू देखो आगे और मैंने दिखा सके आगे, तू अनुभव करे और मैंने अनुभव करा सके आगे। सब फिलोसोफर आ बोले मैं लेक्चर दे इसका भी ऊपर देखियो को नहीं ना दिखा सका, पर वो ढूंढता रहे हो, ढूंढ रुक वो ढूंढो बंद कौन करे हो। तो ढूंढते ढूंढते कुछ लोग बोले बोले एक पागल पुजारी है वो क्लेम करे कि मैं देख क्यों दिखा सकूं। विवेकानंद जी के पास जावे जो बाद में रामकृष्ण परमहंस का नाम से फेमस हुए और यह बात पूछे तो बोले जितने नजदीक से मैं तने देख रही हूँ बीच में नजदीक से मैं देख रखी हूँ बिने, तो बोले मैंने दिखा सके, बोले हाँ और अनुभव कराए जीवन बदल गयो। तो आपको करना है कि खोज करो जो गुरु शब्द कहो गए, गुरु शब्द का अर्थ है गुमा ने अंधकार रूमा ने प्रकाश, जो थर्ड आई ने खोल करके वो प्रकाश दिखा सके, जो जो डिवाइन साउंड अपने अंदर हो रही है भी को एक्सपीरियंस करा सके, जी के कारण श्वास चल रहा है बिया को कोई एनलाइटेंड कहा आप बिना एनलाइटेंड व्यक्ति मिल जावे है, कोई सिद्ध महापुरुष मिल जावे है, सेकंड्स को काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप प्रोग्राम के करीब अंत में आ गया हाँ, तो आप दर्शक लोगों ने अंत में क्या कहना चाहोगा? मैं दर्शक लोगों ने कहूँ कि अपने आपने जैसे रोक रखे हो बैठे ना रुको, प्रमोशन ले हो, और प्रमोशन नहीं ले होगा तो ना तो यह जिंदगी में सुख पाऊंगा ना अगले जन्म में सुख पाऊंगा। चाहे कितना दान पुण्य कर ले वहां मन में शांति इस जन्म में आओगी तो अगले जन्म में भी आओगी, यो जन्म में मन शांत को नहीं होता अगले जन्म भी को नहीं होगा। इसलिए मन की शांति के लिए मन ने पराभौतिक तत्व में किस तरह जोड़ना है बा कला बा साधना सीखनी चाहिए, वो मेडिटेशन प्योर मेडिटेशन है और वो शांति और आनंद देवा को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मारो यो कार्यक्रम में आया हिमालय टेलीविजन को, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी से, और इना को कहना एक ही है कि आज अगर आप अपना आपने शांत कर सकांगा ये भागदौड़ से हट के, तो ही जीवन सुखी हो सकेगो। तो कोशिश करा कि यह आप सब कोई कर सका, थ्योरी भी पढ़ा उनके साथ उनको प्रयोग भी करा। गत हफ्ता सोधिए को प्रश्न इसको सही उत्तर हो दर्शक प्रश्न को भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोन को आकर्षक उपहार जितना सफल हुनु भएको छ। 9841-39-72-04 वाईवाई को गिफ्ट हैम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9840-37-012 9840-70-54-943 9841-82-26-54 9843-82-59 9841-70-118 प्रेस्टीज फ्लोरमैट्स पाउन सफल हुनु भएको छ। 9846-96-64-338 9842-35-90-29 9855-39-52 9813-39-62 9420-37-12
ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9843-23-97-53 9817-48-48 9841-43-72 9830-87-246 9870-71-835 सैमसंग मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ 9810-33-153 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजन को कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नु होला मोबाइल नम्बर 9849-23-804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो हप्ताको दर्शक प्रश्न छठ पर्वमा केको पूजा गरिन्छ अप्सन ए सूर्य अप्सन बी चन्द्रमा अप्सन सी तारा र अप्सन डी पृथ्वी दिएका अप्सनहरू मध्ये ए अन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक महिना सैमसंग मोबाइल एक जनालाई पनि विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ नमस्कार मैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल मैं आज आप लोगों को जो आप मासिक धर्म महीनावारी को आगे पीछे करने के लिए जो टैबलेट्स अपनी मर्जी से खाते हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ आप लोग जिस तरह से चॉकलेट की तरह से जब मर्जी आया दवाई खरीदी और खाना शुरू कर देते हैं कृपया ऐसा नहीं कीजिए ऐसा करने से एक तो आपका मासिक धर्म जो महीनावारी है वो गड़बड़ हो जाती है समय पे नहीं होती है दूसरा जैसे कई बार अक्सर क्या देखा गया है कि किसी महिला ने अगर परिवार नियोजन का कोई साधन नहीं रखा है और वो मासिक धर्म रोकने के लिए दवा खा लेती है और बाद में जब उसको पता चलता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो फिर उसको चिंता होती है कि मैंने जो दवा खाई उससे कहीं मेरे बच्चे को कोई असर तो नहीं होगा तो इसलिए ऐसी स्थिति को आने ही नहीं दो तो ज़्यादा अच्छा है और ये तो जिंदगी में एक या दो बार का भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो खाने की चीज़ है इसको कृपया आप नियमित रूप से या जब मर्जी आए तब खाने की जो आदत है आप लोगों में वो नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है इससे आपके शरीर को और आपको हानि होती है धन्यवाद इतनो कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेऊ हूँ अगले शनिवार फिर नई सामग्री के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी जिज्ञासा सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849-23-804 पर या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर नमस्कार करे दूर अंधेरा दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा प्यार की सौगाते हूँ तारों की बाराते हूँ दूरी की नवाते हूँ बस मुलाकाते हूँ सबको यही देती संदेशा दीपावली गली गली बन के खुशी छाए रे रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए रे दीपावली गली गली बन के खुशी छाए रे रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आए रे यसको कुपन चमत्कारी छ वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल लाइफ इज सो स्लीक एंड माय किचन Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited Kapal ko saundarya sajaunako lagi Poonam Mehndi